टेक्नोलॉजी आजकल कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहले हम सभी लोग 2G इस्तेमाल करते थे, फिर सोचते थे यार ये 2G इस्तेमाल कर रहे हैं, 3G कब आएगा, 4G का इस्तेमाल कब करेंगे। अब भैया 3G भी आ चुका है, 4G भी आ चुका है, अब हम सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 5G आ जाए, और आने वाले कुछ सालों के अंदर ही आपको 5G टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी और आप इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। सिर्फ इसी तरह दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और आने वाले समय में आपको यही टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। सो जानना चाहते हो कि आखिर में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है, सो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जिसका नाम है हाइपरलूप। आई एम श्योर आपने नाम इसका जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। वेल, बेसिकली ये हाइपरलूप क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1-1.5 घंटे के आसपास में यूं चुटकियों में पहुंच सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? आप बोलोगे यार ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हाइपरलूप। जी हाँ दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड या फिर कह लो मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर एक क्यूब होगा और इसके अंदर ये ट्रेन होगी, जो कि देखने में बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसा ही होगा। बस फर्क इतना होगा, बुलेट ट्रेन हो गई या फिर नॉर्मल ट्रेन हो गया, वो बेसिकली जमीन से टच होती है, पटरी पर चलती है, और उसमें हवा का प्रेशर भी होता है, दबाव भी हो जाता है, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर एक क्यूब होगी और इसी के अंदर ये ट्रेन होगी, जहाँ पर बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड से हवा में रहेगा, यानी उसी ये ना तो किसी पटरी से टच होगा और ना ही इस पर किसी भी तरह का हवा का प्रेशर होगा, जिससे क्या होगा, इससे आपको मैक्सिमम स्पीड मिल पाएगी। तो यहाँ पर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर आपको जो स्पीड मिलेगी वो होगी करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो कि बहुत ही तेज है, और ये आपको जो दिल्ली से मुंबई वो आपको 1-1.5 घंटे में आसानी से पहुंचा देगा। तो इस टेक्नोलॉजी, इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, आई एम श्योर आप सभी लोग जानते ही होंगे, एलन मस्क। जी हाँ, टेस्ला का तो नाम सुना ही होगा आपने, आदि मुझे आपको इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का नाम है वायरलेस पावर ट्रांसफर। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक स्मार्टफोन के बैटरी को आसानी से यूज करके दूसरे स्मार्टफोन के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली, बिना वायर को कनेक्ट करे, तो आप कहोगे क्या ये पॉसिबल है, और आपका रिएक्शन होगा हाउ इज दैट पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पॉसिबल है, और आने वाले सभी स्मार्टफोनों में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। आजकल आप सभी लोग जानते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहाँ पर आप आज के समय में फ़ोन को बिना वायर से कनेक्ट करें आसानी से चार्ज भी कर सकते हैं। सेम दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हो सकता है कि आपको आने वाले समय में ऐसे फीचर मिल जाए, ऐसे टेक्नोलॉजी मिल जाए जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर आप आसानी से एक स्मार्टफोन के चार्ज को यानी एक स्मार्टफोन के बैटरी को दूसरे स्मार्टफोन के बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं इसकी मदद से। यही नहीं, यहाँ पर दोस्तों आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनसे आसानी से जो भी एनर्जी है या फिर कह लो पावर को भी ट्रांसफर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग होगा अगर ये टेक्नोलॉजीज आगे, जिसका मतलब ये होगा कि भैया आप किसी भी चीज से यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आसानी से अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल सिर्फ स्मार्टफोनों तक ही सीमित है, स्मार्टफोन तक ही है, अब आने वाले समय में कहां तक ये जाएगा वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, जहां पर आप अभी फिलहाल इस टेक्नोलॉजी की मदद से वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब आने वाले समय में इसकी जो इंप्रूवमेंट है वो और ज्यादा हो जाएगी, जहां पर भैया आप और भी कई सारी चीजें सकते हैं वायरलेसली। इसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आता है जिसका नाम है बायोनिक आई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भैया आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में यानी इन फ्यूचर ऐसे लोग भी देख सकते हैं जिनकी बचपन से आंखें नहीं होती, जो ब्लाइंड होते हैं या फिर जो हाफ ब्लाइंड होते हैं, वो सभी लोग भी आने वाले समय में आसानी से देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो आप बोलोगे यार ऐसा क्या है, मतलब एक इंसान को देखने के लिए अलग से एक दूसरा आँख ही लगाना होगा तभी वो देख सकते हैं ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की मदद से एक बायोनिक आई, जी हाँ, जैसे आपको दोस्तों हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि कैसे एक आँख खराब हो जाती है तो उसके बाद रोबोट ऑटोमेटिकली दूसरी आँख लगा लेता है, सेम दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ अगर आप कंपेयर करो रियल लाइफ से, तो यहाँ पर भी एक बायोनिक आई का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर बेसिकली एक छोटा सा कैमरा लगा होगा कैमरे के अंदर, और यहाँ पर कुछ सेंसर लगे होंगे जो कि बिल्कुल एक रेटिना की तरह ही काम करेगा, उसके फंक्शन को कॉपी करेगा, उसके फंक्शन की तरह ही काम करेगा, जहां पर उस
बायोनिक आई का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान जो कि हाफ ब्लाइंड है या फिर ब्लाइंड है वो आसानी से रियल वर्ल्ड को देख सकता है। आई थिंक ये टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये आ जानी चाहिए। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ड्राइवरलेस कार या फिर कह लो सेल्फ ड्राइविंग कार। वेल आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आने वाले समय में आपको रोडों पर ऐसी गाड़ी देखने को मिल सकती है जहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं होगा, वो जो गाड़ी है वो अपने आप ही चलेगी, आप कहोगे अरे भैया ऐसी चीज़ें तो पहले हम भूतों के फिल्मों में देखते थे, अब ये रियल लाइफ में होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होने वाला है और ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इस पर अभी काम चल रहा है जिसका नाम है सेल्फ ड्राइविंग कार। आने वाले समय में आपको रोडों पे ऐसे गाड़ी देखने को मिल जाएगी जहाँ पर भैया आप मतलब उस गाड़ी को चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं होगा, आप बस पीछे आराम से बैठना और जहाँ पर भी आपको जाना है जिस भी जगह पर आपको जाना है बस आपको कमांड देना है गाड़ी को और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको उस जगह पर पहुँचा देगा। तो यहाँ पर बेसिकली AI का इस्तेमाल किया जाने वाला है, कई सारे सेंसर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो अभी इस पर काम चल रहा है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी आ गई है और इस पर और अच्छे से काम चल रहा है, इस पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आने वाले यानी इन फ्यूचर यानी नियर फ्यूचर में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है लाइफाई। वेल सुनने में तो ऐसा लग रहा है कोई वेब सीरीज का नाम हो या फिर कोई मूवी का नाम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मिनट रुको, लाइफाई ऐसा लग रहा है ना कोई वाईफाई ऐसा लग रहा है ना वाईफाई से मिलता जुलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सोचा, लाइफाई वाईफाई सेम ही है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंस है इसमें। लाइफाई एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय में आपको यही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर लाइफाई में होगा क्या, लाइफाई में आपको जो स्पीड मिलेगी वो 200 गुना फास्ट होगी वाईफाई के मुकाबले। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम 2G इस्तेमाल करते हैं, 3G 4G 5G इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में, और यहाँ पर अभी हम वाईफाई हम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर बेसिकली फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको लाइफाई टेक्नोलॉजी में यहां पर बेसिकली एक विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे आपको जो डेटा है वो और ज्यादा फास्ट होगा, आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी। और यहां पर इसकी खासियत यह है कि दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है लाइफाई वो दीवार के आर पार नहीं होगी, जिस तरह दोस्तों आप वाईफाई एक जगह रख लेते हो और उसके दूसरी दीवार पर जाके आप आसानी से इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन भैया यहां पर आपको लाइफाई में ये चीजें नहीं मिलेगी। लाइफाई बेसिकली एक विजिबल लाइट के माध्यम से काम करता है जो कि कमरे के आर पार नहीं हो सकता, जिससे क्या होगा सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब भैया अगर आप एक घर में लाइफाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो भैया उससे बाहर नहीं जा सकता, जिससे सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग पीरियड पे है और अभी इस पे काम चल रहा है और ये कब आएगा वो तो भैया आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आती है जिसके बारे में आप सभी लोग सुन के हैरान हो जाओगे और आप बोलोगे यार ऐसा भी हो सकता है वाकई में। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है न्यूरल ऑसिलेशन। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले समय में आप अपने सपनों को रिकॉर्ड कर सकते हो, आप सपनों में जो भी देखते हो जो कुछ भी सोचते हो उसकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है, आसानी से एनालिसिस किया जा सकता है और रियल वर्ल्ड में बदला जा सकता है कि भैया आपने सपनों में क्या देखा, कैसी कैसी चीज़ें देखी, तो क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में आपको ऐसे गैजेट्स देखने को मिल जाए और ऐसी टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाए जो आपके सपनों को आसानी से रिकॉर्ड कर सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसी न्यूरल ऑसिलेशन की मदद से इंटरप्रेट करना सीख लिया है दिमाग की एक्टिविटी के साथ। जी हाँ, यहाँ पर एक रिसर्च में पाया गया है कि हम दिमाग में जो कुछ भी सोचते हैं जो कुछ भी देखते हैं सोते वक्त या फिर जागते वक्त, तो यहाँ पर हम जो कुछ भी देखते हैं उसका एक वेव निकलता है। जी हाँ, जैसे हम सोचते हैं उसी तरह से एक वेव निकलता है, तो उसी वेव को इंटरप्रेट करके यहाँ पर एक्चुअल में जो चीज़ आप सोच रहे हो या फिर जो कुछ भी आप ड्रीम में देख रहे हो उसी वेव को यहाँ पर एक्चुअल रियल लाइफ में यानी पिक्टोरियल यानी एक इमेज के रूप में बनाया जाए, तो यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हो जो कुछ भी आप सोच रहे हो उसे भैया बनाया जा सकता है और आसानी से रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आ जाए तो क्या बात होगी जहाँ पर हम अपने सपनों को सोच सकते हैं कि भैया आखिर में हमने क्या देखा। क्योंकि दोस्तों मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि हम सपनों में जो कुछ भी देखते हैं वो हम भूल जाते हैं, सिर्फ 5% बातें ऐसी होती हैं जो हमें याद रहती है। तो भैया आने वाले समय में भैया अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई तो भैया आप आसानी से अपने सपनों को रिकॉर्ड कर सकते हो और जान सकते हो कि भैया आपने क्या क्या देखा।
इन सभी चीज़ों के बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो आती है जिसका नाम है AR और AI, आई एम श्योर आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, जिसका नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेल ये जो दो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आजकल मोस्टली सभी डिवाइसों में जैसे स्मार्टफोन हो गया, इन सभी चीज़ों में काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आने वाले समय में भैया ये इतनी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा ना कि आपको इसे इस्तेमाल करके इतनी खुशी होगी और आपके काफ़ी चीज़ों को भी ये अच्छी तरह से मैनेज कर देगा और आपके समय को भी बचाएगा। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आने वाले समय में आपको ऑगमेंटेड रियलिटी यानी ऐसी चीज़ों के बारे में जो भी कंप्यूटराइज होगा, जो भी कंप्यूटर से बनाया जाएगा, जो भी इमेजेस है या फिर कुछ भी चीज़ें हो, उन्हें आप इस तरह से फील कर पाओगे किसी डिवाइस की मदद से या फिर किसी भी स्मार्टफोन की मदद से। इस तरह से आप पता लगा पाओगे कि हाँ भैया ये वाकई में वो रियल में होगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सच में ये रियल में आपके सामने है। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये ऑगमेंटेड रियलिटी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और इन सभी चीज़ों से ऊपर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका तो इस्तेमाल भैया अभी फिलहाल तो हो रहा है लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोनों में इसका कई तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा आजकल के जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं जैसे मीडियाटेक हीलियो P60 हो गया, P70 हो गया, स्नैपड्रैगन 660 हो गया, स्नैपड्रैगन 845 हो गया, इन सभी में आपको कहा जा रहा है कि भैया इन सभी प्रोसेसर, ये सारी प्रोसेसर जो है वो AI बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आजकल भैया स्मार्टफोनों में जो AI है वो काफ़ी तेज़ी से चलन में है और आने वाले समय में लगभग सभी चीज़ों में AI का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, AI बेसिकली आपके कामों को आसान बना देगा, आपके कामों को बचा देगा, आपके कामों को अच्छी तरह से ऑटोमेटिकली यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप जो भी कर रहे हो स्मार्टफोनों के अंदर या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कर रहे हो वो सारे को एनालाइज करके AI जो है ऑटोमेटिकली पहचान लेगा कि भैया हाँ अगर बैटरी लो होगी तो वो ऑटोमेटिकली डेटा सेविंग मोड को ऑन कर देगा या फिर अगर नेट डेटा खत्म हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली डेटा को ऑफ कर देगा या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो AI के हिसाब से आप जो भी काम करते हो उसे ट्रैक करेगा, उसकी एक्टिविटी को चेक करेगा, फिर उसके बाद भैया वो AI जो है अपने हिसाब से काम करेगा और आपके कई चीजों को आसान भी कर देगा। तो आई एम श्योर आने वाले समय में ये जो चीजें हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ जाएगी और लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या फिर कोई भी चीज हो, उन सभी में AI या फिर AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आता है जिसका नाम है IoT, आई एम श्योर आपने इसका नाम जरूर सुना होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वेल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में आपके घर में जो कुछ भी चीजें हो, चाहे वो फ्रिज हो, TV हो या फिर एक वॉशिंग मशीन हो या फिर कुछ भी अन्य आम जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाए तो काम कितना आसान हो जाएगा। बस आप एक जगह बैठे ही जो भी कमांड है वो आप बोल सकते हैं, जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट आ रहा है, जैसे Alexa हो गया, आप बोल सकते हो Alexa ये कर दो, Alexa लाइट जला दो, Alexa पंखा चला दो, Alexa वॉशिंग मशीन ऑन कर दो, Alexa ये कर दो, बलाना डिमका कर दो, सारा का सारा जो काम है अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाए तो भैया आप एक जगह आराम से बैठ के बोल सकते हो कि भैया TV चलाओ, Alexa TV चलाओ, वो TV चला के आपको दे देगा। तो यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि आपके घर में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाए। अभी तो फिलहाल कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसे बल्ब भी आ रहे हैं जो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और आप अपने फ़ोन से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया आने वाले समय में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगी, जिससे आपका जो काम है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो को लाइक करें बगैर जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में मुझे ये बताना कि आप इनमें से जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर भैया आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।